आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन नशीले पदार्थ की तस्करी को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहा है। सिंगरौली में पुलिस ने दो शख्स के पास से लाखों रुपए का नशीला पदार्थ जब्त किया है। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में प्रशासन किसी भी तरह के नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है। सिंगरौली जिले के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारी को नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसी आदेश का पालन करते हुए बधौरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर नशीले पदार्थ की तस्करी करते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 53 किलो 800 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत 10,76,000 रुपए है। गांजा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से लाया गया था। इसके साथ ही आरोपियों के पास से नगद रुपए और वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को नशा करने वाले और नशा का व्यापार करने वालों के विरुद्ध जो है कठोरतम कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में जो है लगातार जो है कार्रवाई जारी है। अभी विगत 2-2.5 महीने में लगभग 86 NDPS के प्रकरण जिले में दर्ज किए गए हैं, और जिसमें लगभग 2.5 क्विंटल करीब जो है गांजा पकड़ा गया है। टोटल लगभग 150 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है और 1,174 जो है कोरेक्स की शीशियाँ जो अपनी केमिकल ड्रग्स हैं वो पकड़ी गई है, और उनकी टोटल जो कीमत है लगभग 47 लाख का जो है इसमें जो नशीले द्रव्य जो इनकी कीमत आती गई है वो पकड़े गए हैं। और इसमें टोटल जो है 106 आरोपी हैं और लगभग लाखों रुपए के इसमें वाहन भी जब्त किए गए हैं। और आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।